देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। कस्टमाइज इसलिए जाते हैं कि हमको यूनिट सेट करने के लिए आपको कस्टमाइज में जाइए। कस्टमाइज में आएगा यूनिट सेटअप। अब आपको यहाँ पर डेसिमल इंचेज रखना है, और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, सिस्टम यूनिट फॉर सेटअप, है ना, सिस्टम यूनिट सेटअप आ रहा है। यहाँ पर आपको 1 इंच बराबर 1 इंच ही होना चाहिए, फिर आप इसको ओके कर दोगे। यहाँ से भी ओके करना है। अब आपको ऑटोकैड की जो फाइल इसके अंदर इंसर्ट करवानी है, तो आपको फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मिलेगा, इम्पोर्ट ऑप्शन वापस। अब यहाँ से आप फाइल का टाइप ले लोगे ऑटोकैड DWG, ठीक है ना, ऑटो DWG या DX सब दोनों फाइल लेता है मैक्स। अब जहां पर भी हाउस का प्लान हो, ठीक है, जहां पर भी हो ना, वहां से इसको इंपोर्ट करना है। जैसे कि मैं डाउनलोड करने जाता हूँ, मेरे पास यहाँ प्लान हो गया, ये वाला प्लान है, ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से जो आ रहा है ड्राइव ऑटोकैड प्रिमिटिव बाय, यहाँ पर आपको एंटिटी रखना है। सिंगल सिंगल अपडेट लाएंगे, एंटिटी रखेंगे यहाँ पर। एंड की रखने के बाद आपको यहाँ से ओके कर, अभी प्लान इसके अंदर नॉर्मल प्लान इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको किसी एक व्यू को आपको ऑल्ट प्लस डब्ल्यू से मैक्सिमाइज कर, ग्रिड को आप बंद कर दीजिए, एफ सॉरी जी से आप ग्रिड बंद कर दीजिए। फिर इस पूरे प्लान को एक बार आप क्या करो, देखो या तो ग्रुप बना दो, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और मॉडिफाई में जाओ। मॉडिफाई में वैसे भी लाइन है, तो आप इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको अटैच, अटैच मल्टी भी कर सकते हो। सेलेक्ट यहाँ से किया, शिफ्ट दबा के रखोगे और लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर, अटैच कर दिया, और पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को करना है, आपको डब्ल्यू प्रेस करना है मूव के लिए। आपको यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को 0 पे लाना, ठीक है। अब आपको जाना पड़ेगा, पी प्रेस करेंगे परस्पेक्टिव व्यू। हमने स्टार्टिंग ऑटोकैड में जैसे बॉक्स कमांड से ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, उसी तरह इसमें क्रिएट करेंगे ना। आपको बॉक्स लेना है, बट यहाँ से आपको स्नैप मोड ऑन करना पड़ेगा। स्नैप मोड ऑन करने के लिए आपको एस प्रेस करना, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, आपको एंड पॉइंट एंड वर्टेक्स रखना है, आप इसको क्लोज करो। अब आपको यहाँ से यहाँ तक क्लिक करा और ऐसे रैंडम हाइट देनी है एक बार, तो कैरेक्ट की कमांड से बाहर आ जाओ, मॉडिफाई में जाओ, यहाँ पे इसकी हाइट है ना आपको कितनी रखनी है वो आपको यहाँ पर लिख दो। मैंने यहाँ पर हाइट लिख दी, मान लो 11 फीट 6 इंच, ठीक है। वापस मैं बॉक्स लूंगा, अब मेरे को बार बार हाइट लिंक लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा दी ना, बस आप इसको स्नैप ट्रैक करना, बस फोटोली हाइट ले लेगा। इसमें बहुत एंटर वाला की नहीं है कि ऑटोकैड एंटर करा तो इसमें भी एंटर करेंगे तो उसे सेम चीज चल जाएगी। बॉक्स लिया, यहां से यहां तक लिया, इसको ट्रैक करवा, सेम यहां से यहां तक लेना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और स्नैप ट्रैक ऑन कर, ऑटोमेटिक हाइट काउंट करके। यहां पर भी कर दीजिए, ओनली आउटर आउटर वॉल क्रिएट करेंगे ना, इनर वाली नहीं करेंगे। जरूरत पड़े तो इनर वाली कर दो, बट इनर वाली जरूरत है ही नहीं। कुछ इस तरीके से हम ऑटोकैड में बॉक्स क्रिएट कर, ठीक है, राइट क्लिक करो, कमांड से बाहर आ जाइए। अब आप एफ प्रेस करें फ्रंट व्यू के लिए। इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर करके आपको मॉडिफाई में जा करके यहाँ से इसका कलर चेंज करना। कलर चेंज करें तो आप ग्रे ले लीजिए, सॉरी कोई भी आप कलर यहाँ नीचे कस्टम ले लीजिए। पी प्रेस करिए परस्पेक्टिव व्यू में, आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखेंगे, ठीक है। अब आपको विंडो का लेवल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये डोर है, ये विंडो नहीं है, एक यहाँ पर डोर है, एक यहाँ पर डोर। तो मैं मॉडिफाई में बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, हाइट ले लेता हूँ, एक बार तो पूरी हाइट ले ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफाई में जाकर के बाद आपको इसमें हाइट
हाइट है ना, लिंटल लेवल 3 फीट रखूंगा मैं। हो गया, फिर वापस बॉक्स कमांड लगानी है और हाइट आपको मिल जाएगी नॉर्मल जो इसकी है। तो ये तो नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। ये वाली विंडो है तो यहां पर ये वाली रहेगी, ठीक है। कुछ इस तरीका, राइट क्लिक करो, कमांड से बाहर आ जाओ, फिर ऊपर वाला लेना है तो सेम प्रोसेस है, स्नैप। एक बार यहां तो ले लो, राइट क्लिक कमांड से बाहर जाओ, मॉडिफाई में जाओ। अब यहाँ हाइट 11 फीट 6 इंच है ना, 3 फीट नीचे से कम हो गया, आपको 4 फीट की विंडो चाहिए, 7 हो गया, 7 में 4 4 फीट 6 इंच कर दे माइनस का, माइनस का सर माइनस कर दे। ये आपका विंडो का ऑप्शन आ जाएगा, विंडो का आएगा, डोर का भी सेम रहेगा। सॉरी एंड स्नैप का बहुत यूज आता है, इसमें बंद रखना चल रोकना बहुत काम आता है ना। बॉक्स लिया, यहां से यहां ट्रैक कराए, आप इसको सिर्फ ट्रैक करना है। एक बार आपको हाइट ले लेना, बार बार नहीं है, बार बार देने की। ठीक है, ओके, राइट क्लिक कमांड से बाहर आ जाओ, अब आप फ्रंट व्यू में जाकर के पूरे को सेलेक्ट करो एक बार, ठीक है। मॉडिफाई कलर ले लिया, ओके कर दिया, बाय। परस्पेक्टिव व्यू में जाओ, किसी एक ऑब्जेक्ट को आप कर दो कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली, यहाँ पर मॉडिफाइड लगा देंगे एडिट पोली। यहाँ पर जाएंगे अटैच, यूनियन करना होता है ना एक तरीके से। एक सौ नहीं होता है, और एक बार ज्वाइन अटैच करने का वापस है। हाँ डिटेल कर सकते बता, ऑटो कटल नहीं, इसमें डिटेल होता है, उसमें होता नहीं था। पूरा एक हो गया, ये स्नैप बंद कर दो, ये हो गया आपका एक पूरा एक परफेक्ट मॉडल, ये बात ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप राइट क्लिक करके हाइड सिलेक्शन छुपाने के लिए ग्रिड को बंद कर दो ना, बार बार टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बॉक्स ले लीजिए, स्नैप ऑन करके यहां से यहाँ हाइट रैंडम दे रहा है, एक बार मॉडिफाई हाइट ले लूंगा 3 फीट, फिर वापस सेम यहां से बॉक्स। ठीक है, ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको भी अटैच करना है, किसी एक को कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दो, नहीं तो भी राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल करो। इस वाले पार्ट को आपको जेड एक्सिस में मूव करना है ना, तो यहाँ वीडियो डाल दूंगा मैं, जेड एक्सिस में 3 फीट आगे ऊपर। चलो इसको करा, मॉडिफाई में गया, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अटैच, हो गया अटैच हो गया। अब इसी तरीके से हम ऊपर स्लैब बना सकते हैं ना, मॉडिफाई स्लैब का जो लेवल रखूंगा वो रखूंगा, हाइट रखूंगा मैं 6 इंच,
मॉडिफाई इसको करने के लिए करना, नीचे वाले को अटैच, ठीक है इतना क्लियर? ओके, अब हम वॉल्स क्रिएट करने के लिए हम एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे हम AAC एक्सटेंडेड, यहां पे आता है वॉल, ठीक है। यहां पे मैं ले लूंगा विड्थ जो रखूंगा वो रखूंगा 9 इंच, हाइट रख दूंगा 3 फिट, और ये इधर वाला कॉर्नर लेफ्ट रहेगा या सेंटर रहेगा, कुछ आइडिया है? नहीं नहीं ये बन तो रहा है, कौन से पॉइंट नहीं ले रहा पर्टिकुलरली। अगर इससे नहीं होगा ना फिर आगे एक तरीका और बता, तरीके बहुत सारे। मूव करने के लिए बता रहे, इससे नहीं हो रहा फिर अब एक ऑप्शन ऑन है हमारे पास, लाइन ऑन करें, लाइन कमांड कर, स्नैप ऑन ही है। यस कर दो। यहाँ पर जाएंगे हम वॉल्स में, गए थे वॉल्स में, हमारे 2D सिलेक्ट वाला ऑप्शन है नहीं इसके अंदर, कीबोर्ड एंट्री से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पिक एसपी लाइन आ गई, ऑप्शन है पिक एसपी लाइन आएगा, इस सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक क्रिएट कर सीधे पिक एसपी लाइन, 2D लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा तो अपने बहुत कुछ डी कर सकते हैं ना, सब चीज कर सकते हैं। कुछ यूज बॉक्स की बनाया है। पर रोटी में ऑटो कैसे पड़े हैं, हमने बॉक्स से पड़े हैं, तो वो चीज यूज करनी पहले, मैं तो वो समझा फिर आगे कर, वो भी ऐसे नहीं सर, इससे भी फास्ट बताऊंगा ना अभी नेक्स्ट क्लास में, इससे भी फास्ट हो जाएगी। वो लेफ्ट करा था राइट कर देता हूँ, गया अंदर की साइड। अब आप लाइन वगैरह को हटा सकते हो, आपको चाहिए नहीं तो हटा दो। यहाँ पे जाऊंगा मैं 2D सेट, बस रन 2D सेट सही है। ये क्या करना क्या करना सब क्या सब होता है, इसलिए प्राइस इंटरसेक्ट हो सर, सब्ट्रैक्शन स्वीप वगैरह सब होते हैं इसमें ऑप्शन, इसमें उससे ज्यादा एडवांस चीज इसमें। छज्जा वगैरह सब बना सकते, ठीक है। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर भी आपको बॉक्स क्रिएट करना, तो इसको रखता हूँ, बाकी वाले को आइसोलेट करता हूँ ना, ऑल्ट क्यू, ऑल्ट प्लस क्यू करेंगे आइसोलेट। आप फ्रंट व्यू में जाइए, आप क्या करो कि यहाँ पर 2D शेप भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ से स्नैप ऑन कर दूंगा मैं, एक बार मैंने यहाँ रखा, फिर इसको मैं कन्वर्ट टू एसपी लाइन करूंगा, वो करा परस्पेक्टिव व्यू में गया, इसको यहां रखना है ना, कलर के स्टेप को आपको यहां पर क्या करना है, इसके ऊपर एक मॉडिफायर लगाएंगे ईएक्सटी एक्सट्रूड, एक्सट्रूड का मॉडिफायर यूज करेंगे ना, एक्सट्रूड का ऑप्शन लाने के लिए आपको कन्वर्ट टू इसको करने, वापस कन्वर्ट टू
एडिट पॉली, तो हम इसको सिर्फ पॉलीगॉन से एक्सट्रूड कर, वो तो हो ही जाएगा। ये लेना ठीक है, इसके ऊपर मॉडिफायर लगाएंगे एक्सपी एक्सट्रूड, एक्सट्रूड लगा देंगे, अमाउंट डाल देंगे हम 4 फीट। एक्सट्रूड किया, फिर इसी ऑब्जेक्ट को मैं कर दूंगा कन्वर्ट, कन्वर्ट टू एडिटेबल पोली, ठीक है। यहां से ले लूंगा एज, एज ऑन करने के लिए F4 दबाएंगे, सेगमेंट्स को ऑन करने के लिए F4 की होती है। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां दिया, ये वाला एज ले लिया, कंट्रोल दबा करके ये वाला एज लेता हूं। नीचे जाएंगे आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएगा कनेक्ट, 2 3 4 5 स्टेप हो गए, 4 फिट 3 फिट 3 फिट 3 3 दबा देते, 36 5 दबा देते, लो ये बना दे। वापस ले लेंगे हम पॉलीगॉन, सबसे पहले इस स्टेप को छोड़ देते हैं, इस स्टेप को एक्सट्रूड करते हैं, टेन इंच होगा एक का, इसका डबल हो जाएगा इससे, ठीक इसको कर देंगे 30। इस वाले पार्ट को कर देंगे 50। F4 दबा दो सेगमेंट से 12। ओके ये कि ये चीज सीधी आपको यहीं बनानी है, बना भी सकते हो या इसी के कॉपी करके ले आओ। डब्ल्यू प्रेस करो, स्नैप बंद कर दो, डब्ल्यू प्रेस करो, पॉलीगॉन से बाहर आ जाओ, अब है ना, एक बार शिफ्ट दबा करके कॉपी ले लो इसकी। अब इसको रोटेट करना, आपको रोटेट किया, एंगल स्नैप ऑन किया, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं अमाउंट एंगल डाल दूंगा इसमें, सॉरी एंगल डाल दूंगा 90 डिग्री, टॉप में जाके थोड़ा सही होगा। डब्ल्यू प्रेस करो, देखो इसका गिज्मो सही नहीं आ रहा, गिज्मो सही लाने के लिए एरर की में जाकर के अफेक्ट पिवट ओनली और सेंटर टू, स्नैप ऑन ही है ना आपको, भी प्रेस करेंगे, पर्सपेक्टिव यहां पे लगी हुई है ना, इसको नीचे लगा, ये हो गए दोनों साइड के स्टेप्स हो गए। अब आप राइट क्लिक करो एक बार, अनहाइड ऑल कर दो। अब आप इसको रोटेट करके यहां से सीधा एक बॉक्स क्रिएट कर दी, -24, ठीक है। यहां से बॉक्स वापस क्रिएट करना है, स्टार्ट पॉइंट ये रहेगा, एंड पॉइंट यहां तक तो दे देते हैं, हाइट रैंडम एक बार क्लिक करते हैं, यहां पे हाइट डाल देता हूं मैं इसकी 5 फीट, ठीक है। अब इसको भी अब अटैच कर दो, मॉडिफाई में जा करके अटैच,
ग्रुप का। ओके एक बार आपको इतना बनाकर मेरे को दिखाओगे तो ही नेक्स्ट क्लास बैठा। पीछे वाले को जो बनाया कर नहीं बताया मेरे को, कोई हमने बनाया है, किसी ने और ने कभी तो भी बनाया नहीं। ठीक है।